मैं कह दूं हॉस्टल की फीस मैंने एक महीने पहले दी थी, अब नहीं दे रहा फिर? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग हो रहा है उसी की बालकनी में, खड़ा हूँ मैं मैच में। और भाई ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, और मौसम देखो भाई इतना सही हो रहा है ना, और बारिश की एक एक दो दो बूंदे आ रही है भाई, बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है देहरादून में भाई। और वो जो पीछे लड़की दिख रही है ना गाइस, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है बात करने की, बट वो खड़े खड़े के मुझे देख रही है, ठीक है भाई, पर्सनैलिटी इतनी तगड़ी है देखो। और भाई अब आज देखते हैं, वैसे तो मैं क्लास है नहीं अभी, चक्कर चलेंगे आज क्योंकि मौसम अच्छा, कॉलेज देख जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत कॉलेज दिखाऊंगा कितना बढ़िया दिखता है ऐसे मौसम में। और अभी जून जुलाई आए ना तो मौसम बहुत बढ़िया हो जाता है, तो अब देख लो आप, अगर आपको ऐसा मौसम चाहिए, ऐसे मौसम के मजे लेने हैं, तो आपको क्या करना है, यूपीएस में आके एडमिशन लेना है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उसको भाई फटाफट भरो, उसमें गूगल डॉक्स का एक वो भी है, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालो, तो कॉल सपोर्ट के लिए आप कॉन्टैक्ट करो, नंबर दे रखा है। और आपको जो भी इशू पूछना है कि यूपीएस में एडमिशन कैसे होना है, क्या फीस है, स्कूल की, ये सब जो भी आपको लगता है हॉस्टल से रिलेटेड सब चीज़ वो बता देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई इशू ऐसा है नहीं, तो फटाफट फॉर्म भरो और कॉलेज में और एक्सपोजर का मजा लो। तुमने मेरे को सम्मानित किया 300 सब्सक्राइबर पे कि हार दिया है, और भाई अभी 500 पे भी कुछ ना कुछ मिलेगा, ये मेरे को एक उसके साथ वो दिया है भाई, शॉर्ट ऑफ ऑनर भाई, तो ये ओनर है मेरा, ठीक है, इसको मैं दीवार पे लगाऊंगा फ्रेम करवा के, 300 सब्सक्राइबर दिखाओ भाई, मौसम तो दिखाओ भाई लोगों को, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, भाई ये होती है पहाड़ों वाली चाय। अरे हम मैच है हमारी, हम यहाँ पे पानी पीते हैं, यहाँ पे ग्लास रखे रहते हैं, और ये हमारा ना वो वाटर वो है जहाँ वाटर बोलो जिसमें हम पानी पीते हैं, ठीक है भाई। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये हमने अभी ध्यान नहीं दिया, देखो इसमें भाई कॉकरोच पड़ा है भाई, ये हॉस्टल है, फोन कर वार्डन को आज से बताएंगे भाई, आज बहुत ध्यान देता ना वार्डन, आज हम देखे सर हॉस्टल एक्सपोज हो रहा है सर, कर दिया हॉस्टल एक्सपोज, हेलो भैया कहो, सुजल बोल रहा हूँ, बोलो भैया, एक बार मैच में आ सकते हो ऊपर? क्या हुआ यार भैया, हम जिस वाटर कूलर से हम पानी पीते हैं उसमें कॉकरोच पड़ा है अंदर, हाँ अरे कल तो मैंने सफाई कराई थी इसकी, तो कल सफाई कराई थी तो अब कॉकरोच आ गया, अब कहाँ से आ गए? अरे तो जीव है गिर जाता तो कॉकरोच का पानी पियेंगे क्या हम? हाँ तो आके देख तो लो, सफाई करा दूंगा एड्रे बिन बात की। अरे तो भैया ठीक है तो ऐड क्यों रहे हो पानी, हम कॉकरोच वाला पियेंगे क्या? आप कह रहे हो कल सफाई कराई थी आज कराई थी, भैया तरीके से कर रहा हो, अभी मैं पानी पी रहा था मर जाता फिर। अरे वो चीज़ ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप कहते थे ठीक है मैं आके देख लूंगा मैं करवा दूंगा, आप तो आने को तैयार नहीं ले रहे, बहस कर रहे हो कल साफ कराया था, अब आप कहते हो 10 दिन पहले साफ कराया था फिर, मैं कह दूं हॉस्टल की फीस मैंने एक महीने पहले दी थी, अब नहीं दे रहा फिर? आप मुझे तरीके से बोलो कि भैया एक बात, भैया मैं यार एक बात बताओ, पानी पी रहा हूँ मैंने खोल के देखा, कॉकरोच तो गुस्सा नहीं आएगा किसी चीज में, कॉकरोच पड़ा और उसका पानी पिला रहे हो खाने पीने के लिए? भैया मैं कुछ नहीं कह रहा, आगे से साफ करा देना, इसे आगे साफ करा देना, हम लोग यहाँ पे बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, बहुत तगड़ा वाला भाई, उठेगा ठीक है ना? हाँ भाई हम बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं यार, कैमरे पकड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम यहाँ से आने वाले लोगों को देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा था, कुछ लोग हैं जिनको हम देख लेते हैं, है नहीं? हाँ अब तो तेरी आंखों में मट्टी चली गई होगी, जब तो नहीं जा रही थी, है पनीर भाई से इतने पापी लोग हैं ना, ठीक है ना, अब ओ भाई अब आदत हो गई मेरे को अच्छी पकड़ने की, मैं 300+ भी तो हो गए ना मेरे सब्सक्राइबर, 301। और भाई ये हॉस्टल भाई, इसमें मैंने आज सुबह वाली जो वीडियो देखना ना तुम, तो भाई इस हॉस्टल में मत आना, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये हॉस्टल पहले बहुत अच्छा था पर अभी बिक गया, और भाई बिकने के बाद इसका इतना बुरा हाल हुआ है ना, इस हॉस्टल में बिल्कुल भी मत आना गलती से भी। भाई जिम के बाहर आ चुके हैं अभी, और क्या कहते हैं, हाँ क्या आज तो खाली पड़ा है वैसे पूरा कैंपस, क्योंकि सैटरडे है और फिर मंडे से पेपर है हमारे, तो अब आज लेग्स का वर्कआउट करना है, तो दिखाऊंगा तो नहीं यार ज़्यादा, क्योंकि वीडियो दिखाने के चक्कर में ना फिर वर्कआउट नहीं हो पाता ढंग से, आज लाइट वेट तो पहले से चल रखे जिम में, क्या बात है, फिर आज कैंपस हॉस्टल में भी जाऊंगा कुछ दोस्तों से मिलने, तो आज दिखाता हूँ व्लॉग आगे का।
भाई वर्कआउट हो चुका है और आजकल वर्कआउट बढ़िया हो रहा है और थोड़ा थोड़ा फर्क भी दिख रहा है मसल्स में, लेग्स में भी पंप ठीक आ रहा है। देखो कांप रहे, पैर कांप रहे। मौसम देख लो बारिश का हो रहा है अब, ऐसे ऐसे जब रेनी सीजन आएगा ना तो मौसम ऐसे ही बढ़िया रहेगा। और भाई जिम में वर्कआउट बहुत तगड़ा हो गया, इसमें बाइसेप मारे मैंने, लेग्स मारे हैं, ट्राइसेप भी मारे हैं भाई, दो चीज़ मारी है इनने भाई, यही मार पा रहा है बाइसेप ट्राइसेप भाई। अगर तुम लेग्स का वर्कआउट कर रहे हो और तुम जीने पर सही सलामत उतर के आ पा रहे हो तो फिर तुमने अच्छे से करा। क्या करा मैंने बहुत तगड़ा कर दिया भाई। और भाई मौसम देख लो, इन्होंने वैसे एनरोलमेंट ऑफिस शिफ्ट कर दिया मैक में और आज सही हो रहा है मौसम सुबह से। बीच में दोपहर में थोड़ी धूप वूप आने लगी थी पर फिर ठीक हो गया। पर अब मंडे से पेपर है, कॉलेज में शांति है। दीवार है किसी में? अरे दीवार कितने में? किसी में भी ना, साढ़े पढ़ू मैं। ओ तो साढ़े मैं कौन सा हो रहा हूँ? मैं तो एक अगले सेमेस्टर का और पेपर दे पा रहा हूँ। एक कह रहा आपकी अटेंडेंस इतनी ज़्यादा, एक पेपर और दे दो आप। भाई छपर आगे गेट पर खड़े होकर फोटो ले रहे हैं, वो भी हाथ कैसे करके ऐसे ऊपर देख शेर। भाई हाथ ऐसे करके ले रहा है, उंगली शेर बन रहा है। कॉलेज वालों ने ना इसे हमारे सिटिंग एरिया को वो बना दिया एनरोलमेंट ऑफिस। भाई अगर इन्होंने टेम्परेरी बनाया कुछ दिनों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। और अगर इन्होंने परमानेंट कर दिया ना भाई फिर तो बहुत गलत किया यार। यहाँ पे एक टाइम पे हम सब बैठेंगे, फिर एडमिशन वाले जो लोग आएंगे वो बैठेंगे। अब पर ऐसा लगता नहीं, मुझे लगता टेम्परेरी करा होगा क्योंकि ज़्यादा लोग आते हैं ना, तो फिर जो पहले वाले एनरोलमेंट ऑफिस था वो थोड़ा छोटा था इसके कंपैरिजन, तो क्या पता इसलिए शिफ्ट कर दियो। अब जा रहे हैं कैंपस बॉयज़ हॉस्टल और भाई मौसम देख लो, अब शूट करना है एक तो, और ये लाइब्रेरी है यहाँ से मैं कमी नाता रखता हूँ। बारिश पड़ गई बहुत तगड़ी देहरादून में। सिनेमैटिक बन रहे हैं भाई, बाढ़ आ गई, रेड अलर्ट, बिदोली में बाढ़ आ गई भाई, देख नीचे भाई, रेड अलर्ट हो गया। चाय ले लो भाई बारिश में। ओए पानी कम है चाय में, पानी मिलाना है। गाइस एब्यूजिव वर्ड, तुझे उसमें नहला दूं। लाइट जा चुकी है भाई, पिदोली डूबने वाला है, पंखड़ी फूट गई भाई, पंखड़ी कांस भी फूट गया वहां का भाई, पिदोली डूबने वाला है, जल्दी पैक करके तो बेटा चलो हमें। गाइस अभी स्कॉल्टो ने ठोक दिया था और यहाँ बाढ़ बह गई, बिदोली में बाढ़ आ गई भाई, ये देखो रेन इफेक्ट, मौसम बहुत ही ज़्यादा जोर का हो लिया यहाँ पे अब।